हर किसी व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही सलामत चलाने के लिए एक गुरु यानी एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि माता पिता ही किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले गुरु होते हैं। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी बच्चा हुआ, तो उनके लिए जो सबसे पहले गुरु होते हैं वो उनके खुद के माता पिता होते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने जन्म लिया होता है, उसके बाद से ही आप लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। आगे दिन प्रतिदिन बड़े भी होते जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। और ये जो सिखाते हैं हम लोगों को, वो अपने माता पिता ही सिखाते हैं। उनके द्वारा ही हम आगे जीवन जीने के लिए धीरे धीरे सब कुछ जानने लगते हैं। तो इसी कारण से माता पिता ही सबसे पहले शिक्षक होते हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में। और जीवन जीने के लिए जो सही तरीका होता है वो भी शिक्षक ही सिखाते हैं, यानी कि गुरु ही सिखाते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि माता पिता ही है हमारे पहले गुरु। दोस्तों, हमारे देश भारतवर्ष में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इसमें जो है, अपने जीवन से जुड़े जो भी शिक्षक होते हैं, जो भी गुरु होते हैं, उनको इस दिन को सम्मान दिया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शिक्षक दिवस जो है वह क्यों मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में या किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो भारत के प्रसिद्ध विचारक, दार्शनिक, शिक्षाविद, संवादक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था वह तमिलनाडु राज्य के तिरुमने गांव में हुआ था, और एक साधारण ब्राह्मण परिवार में। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म हुआ था वह तमिलनाडु के तिरुमने गांव में हुआ था, और साथ ही साथ ये एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, यानी कि ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, इन्होंने अपने छात्रों को कहा था कि 5 तारीख को, यानी कि 5 सितंबर को अपने जन्मदिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। ऐसा इन्होंने अपने छात्रों को आग्रह किया था। तो इसी कारण से 5 सितंबर का, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में, टीचर्स डे के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, साथ साथ इनको पढ़ने लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा शौक था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वामी विवेकानंद के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, और इनको किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव था। पढ़ने लिखने के ये बहुत ज़्यादा शौकीन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, साथ ही साथ दूसरे नंबर के राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वह दूसरे राष्ट्रपति बन चुके हैं और पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, यानी इन्होंने अपना योगदान भारत को दिया है। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 यानी कि 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और यह जो भारत रत्न है वह भारत के सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, यानी कि नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी इनको पुरस्कृत किया जा चुका है, यानी सम्मानित हो चुके हैं। तो इन्हीं के जो है शुभ जन्मदिन पर हम शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। जीवन जीने के सही तरीका हमें शिक्षक ही समझाते हैं, बताते हैं, साथ ही साथ सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित भी हमें गुरु ही यानी कि शिक्षक ही करते हैं। तो दोस्तों, हर किसी के जीवन में जो जीवन को सही से जीना है, सही से जीवन को आगे बढ़ाना है, तो ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं वो गुरु ही यानी कि शिक्षक ही बताते हैं, समझाते हैं। साथ ही साथ कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, इन सारी चीज़ों की भी व्याख्या करके, अच्छी तरीके से समझा के जो शिक्षक होते हैं वो हमेशा सही रास्ते पर ही आपको आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, प्रेरित करने के लिए कहते हैं। और साथ ही साथ अपना जो जीवन का लक्ष्य है या अपना जो जीवन है उसमें सक्सेस होने के लिए हमें शिक्षक ही यानी कि गुरु ही प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, शिक्षक का जो महत्व है वह हर किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है इनका। संस्कृत का एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें गुरु की महत्वता को बताया गया है, उनका कितना महत्व है इस चीज़ को। तो यहाँ पर है, गुरु गोबिंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोबिंद दियो बताए। तो ये जो श्लोक है वह बहुत कोई को याद भी होगा, आप लोग बहुत कोई जानते भी होंगे। तो इसका जो अर्थ है वह है कि गुरु और भगवान, यानी कि गोविंद मतलब भगवान, ये दोनों अगर खड़े रहते हैं साथ में, तो आप सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करेंगे या किसको आप पहले प्रणाम करेंगे। तो इसमें जो है, सबसे पहले मैं चरण स्पर्श करूंगा गुरु का, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही, गुरु के बताए रास्ते के द्वारा ही मैंने भगवान को यानी कि गोविंद को पाया है। तो इसी कारण से जो गुरु का स्थान है वह भगवान से भी आगे है। तो सबसे पहले मैं गुरु को प्रणाम करूंगा और फिर
भगवान को मिलूंगा या भगवान को मिलता हूं। तो इसी कारण से गुरु का जो महत्व है वह भगवान से भी बढ़कर है। तो ऐसे गुरुओं को मैं सत सत नमन करता हूँ। शिक्षक एक माली की तरह होता है जो बगीचे में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों को एक सही तरीके से सजाता है। तो इसी प्रकार से जीवन में भी शिक्षक का भी ऐसे ही योगदान है। वो विभिन्न प्रकार के छात्रों को अच्छी तरीके से सजाता है, संवारता है और उनको लक्ष्य तक बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो ये गुरु ही कह सकते हैं। ये जैसे कि माली करता है पूरे बगीचे में, बगीचे के हर एक फूलों को अनेक अनेक रंगों में व्यवस्थित करके सजाता है, उसी प्रकार से जीवन को व्यवस्थित रूप से सजाने के लिए बहुत सारे छात्रों को ये गुरु के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि हर जगह पर गुरु का कितना योगदान है। दोस्तों, जब से हमने जन्म लिया है तब से लेकर के अभी तक डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, लेकिन सीखने से ही हम लोग शिक्षक से ज्ञान प्राप्त कर लिए, ये तो होता ही है, लेकिन उसमें भी हम लोगों को जो सही ज्ञान होता है, जो सही चीज होती है, उसको ग्रहण करना है और उसी को आगे जीवन में उतारना है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें सही होती हैं, जो भी चीज़ें सही बताई जाती हैं, उन्हीं को हमें फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, ना कि गलत चीज़ों को, ना तो गलत कामों को। तो इसी कारण से हमें शिक्षकों के द्वारा जो बताए गए सही रास्ते होते हैं, उन्हीं को हमें आगे लेकर के चलना है और साथ साथ अपने जीवन में सफल होना है। शिक्षक जो होते हैं वो छात्रों को कांटों पर चलकर, मुस्कुराते हुए चलकर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं, समझाते हैं। तो दोस्तों, हर किसी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सारे दुख तकलीफें होती हैं, लेकिन इन सबों को भी अच्छे तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए, टीचर कहते हैं कि हंसते मुस्कुराते हुए इन कठिनाइयों को पार कर लीजिए, फिर आप लोग अपने लक्ष्य में जरूर से जरूर सफल होइएगा। तो इतने अच्छी अच्छी चीज़ें हमें गुरु ही समझाते हैं। छात्रों को जो होते हैं वो कठिनाइयों से जूझते हुए, सामना करते हुए किस प्रकार से आगे अपने लक्ष्य तक बढ़ना है, तो ये सब सारी अच्छी जानकारियाँ, अच्छी चीज़ें हमें गुरु के द्वारा ही मिलती है। गुरुओं के द्वारा ही हर छात्रों के चरित्र को भी बनाया जाता है, यानी चरित्र निर्माण का कार्य भी गुरु के द्वारा ही किया जाता है, शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है कि छात्र का जो है चरित्र किस प्रकार बने। अच्छा चरित्र बनेगा तो फिर हम लोग समाज में अच्छे स्थान पर होंगे, साथ ही साथ हमारा जो है मान सम्मान भी बना रहेगा। तो ये सब जो सारी चीज़ें होती है वो हमें गुरु के द्वारा ही सीखने मिलती है। शिक्षक जो होते हैं वो अपने छात्रों की उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते हैं। तो दोस्तों, जो अच्छे शिक्षक होते हैं, यानी कि जो शिक्षक होते हैं आप लोग कह सकते हैं, तो वो हमेशा जो छात्र होते हैं उनको कहते हैं कि आपका जो भविष्य है वो हमेशा उज्जवल रहेगा। तो इसी कारण से उनसे जितना भी हो पाता है वो सब सारी चीज़ों को शिक्षक करते ही जाते हैं। तो उज्जवल भविष्य की कामना जो होता है वो हमेशा से शिक्षक ही अपने छात्रों के लिए करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, शिक्षकों का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनको आदर सत्कार से रखें और उनके जो बताए रास्ते होते हैं, उनके जो सही रास्ते होते हैं, उन रास्तों को हमें पालन करते हुए आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। तो दोस्तों, हमें यह जानना है कि 5 सितंबर जो है पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, इसी कारण से हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं एक बार फिर से सभी गुरुओं को सत सत प्रणाम करता हूँ।